12 पहुंच होंगे। चलो ए पहला पहुंच प्रणाम आसन, दो हाथ पीछे सीधे सांस अंदर, और ध्वस्तासन। अब आगे झुक जाओ, पादहस्तासन, श्वास बाहर छोड़िए। जब आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर छोड़ेंगे। माथा घुटनों से लगाइए, हथेली जमीन पर टिकाइए, फिर दाहिने पैर पर बैठेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन, दाहिने पैर पर बैठिए साहब, नीचे पधारो साहब, नीचे बैठो। फिर ये दाएं पैर भी पीछे, पर्वतासन। फिर झुक गए साष्टांगासन, नीचे टच करके रखेंगे घुटने छाती थोड़ी ऐसे। फिर सामने से उठ जाइए भुजंगासन। फिर भी से उठिए पर्वतासन, बाएं पैर आगे, वाम अश्व संचालन आसन। आराम आराम से करवा रहे हैं, पूरी स्ट्रेचिंग कीजिए, श्वास अंदर, दाहिना भी आगे, श्वास बाहर। प्रयत्न कीजिए हथेला जमीन पर टिक जाए, माथा घुटनों से लग जाए। फिर हाथ ऊपर और प्रणाम आसन। देखो देखो ऐसे हाथ आएंगे, ऐसे ये तरीका। जैसे बताया वैसे ही करो, जिससे जितना बन पाए करने की कोशिश करना। आगे झुकते समय श्वास बाहर, श्वास बाहर छोड़ दिया, आगे झुक गए, पीछे झुकते समय श्वास अंदर। चार, दाहिने पैर पर ऐसे बैठ गए, श्वास अंदर। पांच, श्वास बाहर। छह, नीचे झुक गए, श्वास अंदर भर लो आप। आठ, नौ, श्वास अंदर। दस, श्वास बाहर। ग्यारह, बारह। ऐसे आप रोज 10 बार कर लेना। कितनी बार कर लेना? 10 बार। कितना समय लगेगा? 2 से 3 मिनट। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, इसका अभ्यास बढ़ेगा। ऐसे कंट्रोल होना चाहिए अपने बॉडी पर, सीधे भी खड़े हो सको और उल्टे भी खड़े हो सको। उल्टे खड़े होने के लिए ऐसे करना पड़ता है बस। फिर चल सको, आपने भी किया ना, मैंने देखा नहीं था। हैंड स्टैंड और हेड स्टैंड, ये बच्चों के लिए होता है ये वाला। ये बच्चों को करवाया करो।